आप देख सकते हो ये DI-35 सोनालिका का इंजन है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम था, ये सिंगल क्लच गाड़ी है, इसका जो सील रहता है वो सील काट चुका था, इस करके क्लच में ऑयल आ गया, आप देख सकते हो। इस साइड का मैनुअल सील भी हमने फ्लाईव्हील खोल के चेक कर लिया, इसका मैनुअल सील बिल्कुल ठीक है, देख सकते हो आप, मैनुअल सील लीक नहीं हुआ है। ऑयल सील बैठता था, पहले इसका ऑयल सील फिट था 50-808 का, ठीक है, देख सकते हो। अभी जो हम ऑयल सील लगाएंगे, पहले ऑयल सील आई है 50-810 का, ठीक है, ऑयल सील लगेगा। और ये इसका रिलीज बियरिंग है, ये 3 फिंगर का क्लच असेंबली है, 3 फिंगर का, देख सकते हो आप, इसलिए ये छोटा वाला बियरिंग रहता है रिलीज बियरिंग। इसका प्रेशर प्लेट ठीक है, प्रेशर प्लेट को अच्छी तरह वॉश कर लिया हूँ, फिंगर का टेंशन भी ठीक है, देख सकते हो आप, फिंगर भी काटा नहीं है, सही है, और क्लच प्लेट भी सही है। इसको पेट्रोल से हम वॉश कर लेंगे, अच्छी तरह से वॉश करके यार से सुखा लेंगे, देख सकते हो अभी ये अब तक सही है, प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा काटा नहीं है। फ्लाई व्हील देख सकते हो, फ्लाई व्हील सही है, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। और एक प्रॉब्लम है इस गाड़ी का, अंदर का जो स्टॉपिंग का जो ओरिंग सील रहता है वो काट चुका है, इस करके कितना गंदगी हो गया है, ऑयल निकल गया, इंजन ऑयल निकल गया से। और माइलेज भी कम दे रहा है इस कार के, इसका ट्रैफिक भी हम चेक करेंगे, साउंड भी क्लियर नहीं है, साउंड भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। तो क्लच का रिलीज बैरिंग का हाउसिंग सेट कर लिया हूँ अच्छी तरह ग्रीस लगा के, और इसमें बैरिंग सही है, इसका फ्री घूम रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, मूवमेंट भी सही है। और फ्लाईव्हील को फाइल पेपर मार के इसको थोड़ा और फ्रेश कर लिया हूँ, देखा हो तो प्रेशर प्लेट भी देख सकते हो, अच्छी तरह वॉश करके इसको भी फाइल पेपर से फ्रेश के कर लिया। देख सकते हो 35 है, इसका काम अभी नहीं हुआ है, इसका अभी काम हो जाएगा ये क्लच हाउसिंग फिटिंग कर लेने के बाद। डाल रहे हैं आसान तालिका ही है, डाल दिया हूँ, ठीक है, क्लच प्लेट डाल दिया, देख सकते हो आप, और लगाओ, बोल को लगा लेता हूँ पहले, देख सकते हो राउंडिंग का सभी बोल्ट को पहले टाइट कर लेते हो, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्लच का सेटिंग। आप देख सकते हो ये 3 फिंगर है, ये 34 है, ठीक है, 34 देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो
फिर है, ये वाला भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम जॉइन करेंगे। ठीक है, देख सकते हो मैकेनिक रेडी है हमारा। और इसके बाद उससे जॉइन करने से पहले हम ट्रैफिक का काम पूरा कर लेते हैं। इसका साउंड भी चेंज था, माइलेज भी नहीं दे रहा था। ठीक है, ट्रैफिक का कैसे सेट होता है, इनलेट वाल्व में कितना प्ले रहता है, एग्जॉस्ट में कितना रहता है, ये आपको मैं दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहना। एक नंबर को, एक नंबर पिस्टन को पहले टॉप में कर लेते हैं। देख सकते हो ये वाला जो प्लंजर है, नीचे जाके ऊपर आएगा और बॉडी लेवल में रहेगा, ये नीचे जाके ऊपर आएगा और ये दोनों वाल्व खोला, बिल्कुल भी खुला रहेगा। टॉप पोजीशन में कर लेते हैं पहले हम इसको, फ्लाईव्हील को घुमा रहे हैं, देख सकते हो। घुमाओ, फ्लाईव्हील को सीधा दिशा में घुमा रहा है, देख सकते हो। अब एक नंबर पिस्टन टॉप से आएगा, नीचे उठ के इधर आ रहा है, आ रहा है, बस बस बस, देख सकते हो। और थोड़ा उठेगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर करो, रुक जाओ, रुक। बस ठीक है, सही एक नंबर प्लंजर टॉप में है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खोल गया है इसका, देख सकते हो आप। अब इसका सेटिंग होगा एग्जॉस्ट वाल्व का, रहेगा 0.40 mm और इनलेट वाल्व का रहेगा 0.30 mm। चलो सेट करो। यह है 40 mm एग्जॉस्ट वाल्व है, ये इधर से करो। एक नंबर वाल्व को हम थे पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये इनलेट वाल्व का क्लियरेंस बिल्कुल भी नहीं है, 0.30 mm जो जाम है फुल, इस करके इसका माइलेज कम दे रहा है। इसको हमको सही से क्लियरेंस रखना चाहिए। देख सकते हो इसका पुश रॉड भी फ्री घूमना चाहिए इसका। मैडम ये आप ले गए मानो है ये एग्जॉस्ट वाल्व है, इसका क्लियरेंस रहेगा 0.40 mm। थोड़ा टैक करो, बस ठीक है, ठीक है, लूज होगा, थोड़ा लूज होगा।
ঠিক আছে এটা দাও ঠিক আছে হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস ছেড়ে দাও ঠিক আছে ঠিক আছে না ये ना टाइट रहेगा ना लूज रहेगा बस ठीक है मत ठीक है देख सकते हो इतना खुले रहेगा देख सकते हो इसका ट्रैबिट का काम हो गया ठीक है अब इसका कवर लगा के ठीक है क्लच को जॉइंट कर लेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे स्टार्ट करके इसका कवर को अच्छी तरह वॉश करके लगा लिया हूँ ठीक है इसका जो नीचे का जो पी टाइप का गैसकिट रबर सील गैसकिट रहता है ये ठीक है जिस करके इसको हम चेंज नहीं कर रहा हूँ इसका पी टाइप का गैसकिट ये ठीक है रबर गैसकिट कई तरह होता है कि इसका भी इससे ऑयल लीकेज होता है साइड से लेकिन ये अभी हार्ड नहीं हुआ है इसका इसको मैं लगा दूंगा